तो गाइस यहाँ पे एक ये गदेरा टाइप ही है, नाला टाइप है, तो यहाँ पे हम ये रख के अपना कुकर और यही खाने लग रहे हैं। और आप ध्यान से सुनो ना, सांबर डियर यही कॉल कर रहा कहीं यहाँ आसपास। ध्यान से सुनो, देखो ये देखो आसपास कहीं ना कहीं टाइगर है तभी, क्योंकि सांबर डियर को गाइस जब अपने आसपास कोई चीज फील होती है, खतरा सा महसूस होता है, तब वो ये कॉल करता है, ये आवाज निकालता है। और ये देखो भाई, मैं कितने सारे लंगूर यहाँ पे एकदम से रोड पे मिले। ये तो छोटा नींबू, इससे बड़ा नींबू होता है। इनके यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नींबू होता है। लग रहे हैं लोग। ओके बाय बाय भाई, बाय। हम तो चल ही रहे हैं। चलो भाई, ये लोग इस साइड जा रहे हैं, हम लोग इस साइड निकल रहे हैं अपना कैची धाम की तरफ। तो गाड़ी की चाबी डैडी को पकड़ाते हैं और चलते हैं भाई आगे, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं लोग। तो गाइज अभी निकल चुके हैं हम लोग, अपना ये मीटअप जो है हमारा ख़त्म हो गया है। बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, सोचा नहीं था कि एंड टाइम पे कैंसिल होने के बावजूद इतने लोग पहुंच जाएंगे। तो यही प्यार, यही सपोर्ट उन्होंने दिखाया, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई गाइस ये चीज़ देख के। फिर इन्जॉय किया, इन्जॉय की कहीं कमी नहीं आई। आपने खुद सबके मुंह से ये चीज़ सुनी होगी कि भाई उन्हें कैसा लगा यहाँ पे आके, लोकेशन से लेके सारी चीज़ें, तो सारी चीज़ें वेल मैनेज रहीं। अब सब चीज़ें क्या है, जब एक साथ काफ़ी दिनों तक हम सब साथ रहे, अब जब बिछड़े तो थोड़ी वो चीज़ खलती है, बाकी कोई नहीं, इट्स लाइफ। तो अभी हम बढ़ने लग रहे हैं गाइस कैची धाम की तरफ, तो वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग और देखते हैं अगर कैंपिंग का सीन है आज कुछ। अभी पता चलेगा भाई, लोकेशन मिलने के ऊपर है, लोकेशन कैसी मिलती है, क्या मिलती है, वो डिपेंड करता है, उसके बाद कैंपिंग तो करेंगे ऑब्वियसली। तो गाइस अब देखो हम बढ़ने लग रहे हैं कैची धाम की तरफ, और रास्ता आप देख सकते हो कितना पतला रास्ता है, मतलब यहाँ से बहुत मुश्किल से दो गाड़ियाँ निकल पाई, बहुत ज़्यादा पतला रास्ता है। और ऐसे ही अब हमारा रास्ता आगे की तरफ होने वाला है, इन्हीं गाड़ियों को हमें फॉलो करना है। तो तीन चार गाड़ियाँ टोटल हमारे साथ, एक इको स्पोर्ट, एक एक्सयूवी, एक ये वाली है और एक हमारी वाली है। नीरज भैया हमारे साथ चलने वाले थे पर उनका फ़ोन आ गया घर से, तो उन्हें वापस जाना पड़ा। बाकी चार गाड़ी है, तो देखते हैं अगर आज अच्छी लोकेशन मिली तो बढ़िया कैंपिंग करेंगे आज वहीं पर। तो अभी पहले आज आपको दर्शन कराएंगे नीम कैरोली बाबा, जो कि भाई अब पिछले दो साल में वो जगह इतनी फेमस हो चुकी है ना गाइस, हद से ज़्यादा। तो आज कैची धाम के आपको दर्शन करवाने वाले हैं, आप देखते हैं वहाँ जाके कितनी भीड़ मिलेगी हमें। लोग कह तो रहे थे, जो कि जैसे घुमंतु परिवार वाले हमारे क्षितिज भैया, वो कह रहे थे कि भाई न्यू ईयर के डे पे बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी। जिस दिन वो गए उस दिन उन्हें तो नहीं मिली, पर आज देखते जैसे भी होगा वो बताएंगे। और ऊपर देखो भाई, ये जो होटल है ना गाइस, ये ITC का होटल है। क्या नाम है डैडी इसका? ITC वेलकम। तो ITC तो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा वो है भाई, कितना बड़ा रिजॉर्ट है गाइस, ये देखो ये 200-250 कमरे हैं इसमें, बताओ 250 कमरे इस रिजॉर्ट के अंदर है। और अगर मैं आपको बताऊं ना इसका एक कमरे का चार्ज क्या है पीक टाइम में जो अब चल रहा है, 35,000 से 40,000 रुपए पर नाइट। सोचो कितना महंगा ये है। और देखो सामने से कोई सफारी के लिए जाने लग रहा है, ये देखो इस सफारी के लिए यहाँ पे लोग जाने लग रहे हैं भाई। यही आपको दिखेंगी पूरी, क्योंकि जिम कॉर्बेट पार्क है पूरा, तो इस वजह से। गाइज अभी हम लोग बढ़ने लग रहे थे कैची धाम की तरफ, और यहाँ पे देखो हमें कितना सुंदर एक वाटरफॉल मिला। ये मेरी एकदम से नजर गई इस पे, मैंने कहा यार यहाँ पे गाड़ी रोकेंगे, रोकनी चाहिए है ना, ये अगर थोड़ा नदी के इस मतलब इस साइड होता है ना, थोड़ा रास्ते की उस साइड, इसके नीचे गाड़ी लगाते बढ़िया, अच्छा वो आता शॉट, हाँ गाड़ी धुल जाती। कितना प्यार आया ना ये, वहाँ तक जा नहीं सकते क्या? चलो आओ चलते हैं इस पे, आ जाओ। अरे कुछ नहीं होगा, आ जाओ आ जाओ आया भाई। चलो गाइस इस वाले रास्ते पे से यहाँ पे जाने लग रहे हैं हम लोग बिल्कुल वाटरफॉल पे।
अरे आप रहने दो डैडी, फिसल जाओगे। चल तो सही, काट ये यहाँ। लो गाइस यहाँ पे आप जा रहे हो भाई, ये देखो गाइस कितना सुंदर है भाई। यहाँ आ जाओ सारे, ऊपर आओ, संभल के आना। क्या बात है गाइस, ये ऊपर जिम कॉर्बेट का जंगल है, और ये देखो भाई साहब, वाह। इन्हीं नज़ारों के लिए तो उत्तराखंड प्रसिद्ध है ना, यही नज़ारे मेरे को बहुत पसंद है। अरे आराम से मम्मी, फिसल मत जाना, आ जाओ आ जाओ। गाइज ये देखो आगे, अभी हम निकले हैं झरने से, और ये देखो भाई कितना पतला रोड है, जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं कि ऊपर से, मतलब ये क्षेत्र ऐसा है गाइज यहाँ पे पत्थर गिरते ही रहते हैं, चाहे बारिश का मौसम हो चाहे ना हो। ये देखो भाई कितना पतला सा रास्ता है, और मतलब पहाड़ देख के ही आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ से देखो पत्थर गिरते हैं, देख रहे हो कितना पतला रास्ता है, कच्ची पहाड़ है भाई, नीचे गाड़ी नहीं निकल सकती यहाँ से। हाँ सच में भाई, दो गाड़ी एक साथ यहाँ पे निकल ही नहीं सकती है, मतलब ऐसा रास्ता अभी हमें 54 किलोमीटर तक जाना है, और इस समय हम पहाड़ की बिल्कुल चोटी पे चढ़ रहे हैं। देखो ऊपर पहाड़ ही खत्म है भाई, चोटी है बिल्कुल पहाड़ की, और नीचे वैली है साइड में। तो गाइज अब हम रुके हैं एक लोकेशन पे लंच करने के लिए, क्योंकि 2:30 बज चुके हैं, और सुबह भी कुछ ऐसा ब्रेकफास्ट खास किया नहीं, तो इस वजह से अब रुके हैं हम उसके लिए। क्या हो गया, अब पानी कम था ना हमारा, ऊपर अच्छा एकदम से मत खोलना, यहाँ देख के थोड़ा देख के, मैंने पहले लूज कर दिया था, इसके बहुत भसड़ होती है, एकदम से निकलता है ये, थोड़ी पहले उसकी स्टीम रिलीज करनी पड़ती है ना। हाँ तो गाइज यहाँ पे क्या कहते हैं, मम्मी सैलेड काटने लग रही है, खाना तो हम वहाँ से बना के आए थे निकलने से पहले। आपने क्या बनाया दीदी? पोहे। पोहे, अरे वाह यही चलने लग रहा, पोहे चावल यही है ना। ये सैलेड यहाँ पे कट चुका है, और देखो कितनी प्यारी लोकेशन है गाइस, यहाँ पे ठंड हो रही है अच्छी खासी, छांव है ना तो यहाँ ठंड लग रही है, वहाँ नहीं लग रही थी, वहाँ तो गर्मी लग रही थी बहुत ज्यादा। तो गाइस ये है अपना पिटारा, इसमें अपना ये है, ये देखो भाई साहब देख रहे हो, सोयाबीन भाई मेरे चावल में मस्त होती है चीज़, कुछ डले या ना डले सोयाबीन जरूर डलनी है मेरे चावल में, मेरे को बहुत पसंद है सोयाबीन। तो ये अपने सैलेड के साथ खाएंगे, दही मैं खाऊंगा नहीं क्योंकि यार मैं बीमार हूँ, मैं अचार से खाऊंगा भाई, बढ़िया देखो पुलाव। तो गाइस यहाँ पे एक ये गदेरा टाइप ही है, नाला टाइप है, तो यहाँ पे हम ये रख के अपना कुकर और यहीं खाने लग रहे हैं, तो यहाँ पे गाइस हमारे पुलाव चलने लग रहे हैं। और ये वरदान की थाली है, मेरी थाली है, अरे मैं लाता हूं पानी लाता हूं, सब खाने लग रहे हैं भाई, थोड़ी थोड़ी। ये देखो यार दीदी ने पोहे बनाए, काट लिया सारा, ये देखो पानी तो हमारा का पीछे गाड़ी में रखा है, सबने कुछ ना कुछ तैयार किया, तो यहाँ पे हम अपना एंजॉय कर रहे हैं बढ़िया। गाइस अभी हम लोगों ने खाना तो खा लिया, पर आप ध्यान से सुनो ना, सांबर डियर यहीं कॉल कर रहा कहीं यहाँ आसपास, ध्यान से सुनो, देखो ये देखो बहुत तगड़ी कॉल आने लग रही है, और बहुत पास से यहाँ कहीं से कॉल है, तो इसलिए हमने अपनी सारी चीज़ जल्दी समटाई, और अब हम आगे बढ़ने लग रहे हैं कि भाई आसपास कहीं ना कहीं टाइगर है तभी, क्योंकि सांबर को, सांबर डियर को गाइस जब अपने आसपास कोई चीज़ फील होती है ना, खतरा सा महसूस होता है, तब वो ये कॉल करता है, ये आवाज़ निकालता है, सांबर की ये आवाज़ है, यहाँ से जल्दी से निकलते हैं, वो सप्पा जी की है, वो सांबर की कॉल है, यहाँ कहीं से आवाज़ है, यहाँ से कहीं से ऊपर से आने लग रही है, बहुत पास से कॉल है, देखो कॉन्टिन्यूस कॉल आने लग रही है, अब नहीं आ रही, अब बंद हो गई। तो गाइस वापस से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने लग रहे हैं, यहाँ पे मैं मैप को वापस सेट कर देता हूँ, ये देखो भाई ये मैप है अपना, 1 hour 43 minutes अभी हमें शो होने लग रहे हैं, 48 minutes नहीं 48 kilometers सॉरी 48 kilometers है, 1 hour 43 minutes ये अपना टाइमिंग लगने वाला, और हमें पहुँचा रहा है ये, यानी ऑलमोस्ट 5 बजा रहा है भाई ये, तो खैर कोई नहीं, देखो रास्ता पतला है तो हमें धीरे धीरे चलेंगे, तो 5:30 तक वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि हम और धीरे चल रहे हैं। गाइस अभी हम आगे बढ़ने लग रहे थे, और ये देखो भाई मैं कितने सारे लंगूर यहाँ पे एकदम से रोड पे मिले, मतलब हमने जस्ट टर्न लिया और एकदम से भाई इतने सारे लंगूर, भाई साहब कितने प्यारे प्यारे से है भाई ये, पर दूर से गाइस
फास्ट से तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। ये देखो, अरे भाई ये देखो कितना बड़ा है, ये तो कितना बड़ा बैठा हुआ है भाई, अलग ही है ये भी सच में यार। और गाइस अब रोड देखो भाई, पहले से तो अच्छा आ गया पर अब हम चढ़ाई चढ़नी शुरू कर रहे हैं, और ये रोड आगे जाके मिल जाएगा हमारा नैनीताल वाले हाईवे में, तो उसी का वेट है बस 7.5 किलोमीटर और हमें ऐसे जाना है। तो गाइस अब ये गांव में रुके हैं, खैनी गांव है ये, जब हम नैनीताल की तरफ जाते हैं तो ये गांव पड़ता है। तो यहाँ पे गाइस एक टी ब्रेक के लिए रुके हैं क्योंकि काफ़ी देर से चलते हुए आ रहे हैं। दो गाड़ी तो हम साथ साथ थी, एक गाड़ी और आनी, एक नहीं दो गाड़ी और आनी बाकी है अभी, वो तो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गए। एक गाड़ी कमज़ोर, फिर वो सरदार जी ना प्लेट्स धोने लग गए तो इस वजह से, हाँ वो जो खाना वाना खाया था। अरे हवा भाई यहाँ नहीं बन पाएगी, चाहे नहीं हद पे नहीं बन पाएगी यहाँ, चाहे नीचे देखा नहीं जा रहा। और रास्ता कैसा लगा ये बताओ, कैसा रहा रास्ते का एक्सपीरियंस? मैं तो ये कि दीदी को डर लग रहा है, कहाँ लिया है मेरे को डर? नहीं नहीं घूमी हूँ मैं, पर आज ये चला के आ रहे हैं ना तो डर लगता थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं यहाँ से सेंटर फ्रेश और ले ली उस वाली दुकान से, नींद आ रही थी। और डैडी को तो नींद आ रही है, चला चाहते हैं। हाँ ये कह, मेरे से बात कर लो यार, तुम्हें हवा बहुत तेज है पर यहाँ पे गाड़ी चलती है। नहीं नहीं डीजल से चलती है जी, इसमें पाइप जा रहा है ना ये उसका, ये रहा इसमें दिमाग लगाया था बहुत, पूरा किचन बना रखा है यार सर एकदम। बेड है अंदर इसमें, ये अंदर बेड है इसमें, ये रहा 6 फुट का बेड है पूरा। हां पूरी कढ़ाई है, हां। तो गाइस कॉफी अपनी रेडी हो चुकी है भाई, ये मेरा रामबाण है जब भी मेरे को ठंड लगती है, और वहां पे मम्मी अपने मतलब इन सब लोगों के लिए बना रही है चाय। ये जो हमारे साथ दो गाड़ी थी ना बीच में, जो अपने सरदार जी हैं उनको नींद आ गई तो उन्होंने थोड़ा रेस्ट लिया है, बाकी वो फिर से रवाना हुए हैं तो थोड़ी बहुत देर में यहाँ पे वो आ जाएंगे, बाकी स्केट में आनंद लेते हैं हम लोग। तो गाइस अपनी बाकी गाड़ियाँ भी यहाँ पे आ चुकी है, और ये देखो भाई ये नींबू दिखाओ कितना बड़ा, ये तो छोटा नींबू, इससे बड़ा नींबू होता है इनके यहाँ पर, बहुत बड़े बड़े नींबू होता है। कहाँ से तोड़ा तुमने? इस पेड़ से तोड़ा, इस पेड़ पे लगे हुए कितने बड़े बड़े, ये देखो यहाँ देख सकते हो, ये लग रहा है वो देखो कितना बड़ा है वहाँ पीछे, और एक ही बड़ा। भाई हवा बहुत तेज चल रही है, बहुत ज्यादा तेज, भाई साहब क्या नींबू खरबूजे के साइज का, और हम में भाई कितना बड़ा नींबू है वाला, ये टेक्निक है देखो आग जलाने की, और हम कितने कितने घंटों में आग लगाई कल से लगाई नहीं जाती, और जबकि हवा इतनी तेज है रोज लगाते ना आग। तो गाइस अभी सीन ये है कि पहले गाड़ी ठीक करवाएंगे, जो आगे फोर्ड है ना वो राजेश भैया वाली, वो क्या है लीकेज होने के कारण उसमें से पानी लीक हो रहा है, जितना डालेंगे उतना ज़्यादा लीक हो रहा है। मैंने टोपा लगा लिया क्योंकि ठंड अब ऐसी चल रही है, कानों को चीरने लग रही है। तो अब गाड़ी में बैठते हैं और सीधे चलते हैं। तो क्या मुक्तेश्वर का सीन है? अब पता चले भाई, अभी तो पहले गाड़ी ठीक कराते हैं उसके बाद ही देखते हैं कि क्या अपन कर सकते हैं। अच्छा 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 ओके। अभी रुके हैं गर्म पानी नाम की एक जगह है, यहाँ पे आपको दिख रही है, एक सेकंड देखो ये दिख रही गाड़ी जो खड़ी है ना, ये राजेश भैया वाली गाड़ी है, तो मैकेनिक के पास ये भी खड़ी कर रखी है। इसमें जो काम हो रहा है वो जो पाइप की जो लीकेज हुई थी मैंने आपको दिखाया था ना, उसका काम इसमें होने लग रहा है। बाकी एक बार ये निपटे फिर देखते हैं क्या कुछ सीन है, क्योंकि कैंची धाम पे गाइस बहुत ज़्यादा रश बताया है, ट्रैफिक बताया है, मतलब पूरा रूट ही डाइवर्ट कर रखा है उत्तराखंड पुलिस ने, तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा होगी तो इस वजह से रूट पूरा डाइवर्ट कर रखा है वहाँ का। तो अभी देखते हैं, पहले तो ये देखते हैं कि भाई इसमें कितना टाइम लगता है, एक बार ये पूरा ठीक हो जाएगा। अभी उसका बोनट खोल रखा है ना, तो बोनट जैसे भी मतलब काम पूरा जब हो जाएगा ना फिर उसके बाद फिर अपना प्लान देखते हैं क्या सीन रहने वाला आगे का। बाकी मैं भी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ गाइस, इसको देखो, ये देखो भाई कितनी जल्दी ये, मैं 5-10 मिनट हो रही ये ड्रामा यहाँ पे देखने लग रहा हूँ भाई, कभी कोई बंदर आता कभी कोई बंदर आता, भाई देखो इतने आराम से भाई इस केबल को ये पार कर लेते हैं। ये देखो ये देखो, देख रहे हो एक्शन देखो भाई इनके, आप टेढ़ा टेढ़ा होके
कोई लटक के जाता है, कोई कैसे करके जाता है। A few moments later. तो गाइस काफी देर तक यहाँ पे वेट किया, इन लोगों की गाड़ी भी ठीक हो गई है और ये देखो यहाँ पे क्या चलने लग रहा है। ट्विनिंग कर रही है, एक ने येलो जैकेट पहनी है और एक ने येलो, ये क्या ये दुपट्टा है क्या है ये? तो क्या हो गया काला? सफेद कर दूंगा मैं। हाँ ना, अपने आप को गोरा करूंगा बस काट काट के, इन्हें फ्रेम में से अलग कर दूंगा। तो अभी क्या डैडी का फोन आया मेरे पास, उन्होंने कहा है कि भाई आगे एक होम स्टे है, आज कैंपिंग नहीं करेंगे, आज होम स्टे में स्टे करेंगे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, अगर यहाँ पे वो किया ना तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत बहुत हो जाएगी। तो इस वजह से मेरी दीदी फिट एंड फाइन है, थोड़े थोड़ी क्या ठंड मान रही हूँ, इनकी ठंड ठीक होगी होम स्टे में जाके, है ना। तो चलो भाई अब एक बार चलते हैं, हमारे भैया पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अरे यार तुम चाय पी रहे हो, पता है डैडी बुला रहे हैं, चलो वहाँ पे होम स्टे मिल गया, चलो चलो। तो गाइज अभी होम स्टे में पहुँच के फिर आपको दिखाता हूँ क्या कुछ सीन है। तो गाइज अभी हम होम स्टे के सामने पहुँच चुके हैं, ये रहा होम स्टे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, अभी ऊपर जाके अपने रूम में शिफ्ट हो जाएंगे वापस। अब मतलब कितने महीनों के बाद जाके हमने होम स्टे लिया, जब बिर बिलिंग वाला हमने वो टूर किया था तो जो फर्स्ट नाइट थी हमने वो तब होम स्टे में करी थी, उसके बाद अब जाके हम होम स्टे यूज़ कर रहे हैं भाई। कोई नहीं, अभी एक काम करते हैं, अपना जो मेन मेन सामान है ना वो गाड़ी में शिफ्ट करते हैं, बस एक दिक्कत ये है कि वाईफाई होता ना क्या कांड करते हैं, बैठे बैठे सारे अपलोड पे लगा देता वीडियो रेड, वाईफाई नहीं मिला यार, बस वाईफाई होना चाहिए था। तो गाइस फाइनली अपने रूम में आ चुके हैं होटल के, और डैडी यहाँ पे लेटे हुए हैं, और ये कुछ रूम है हमारा, ये देखो ये आज के लिए हमने लिया, आज रात के लिए, कितने महीनों के बाद आज हमने वो किया है ना होम स्टे या फिर ये होटल लिया ना, क्योंकि बेसिकली हम लोग जो है ओवरलैंडर हैं भाई, गाड़ी में बनाते हैं, अपना सब कुछ था, मतलब हम तो कर सकते थे पर और लोग थे साथ, तो इस वजह से सबको साथ लेके चलना होता ना गाइस। और हम बिर बिलिंग में हमने लिया था भाई रूम लास्ट टाइम, अब ले रहा हूँ उसके बाद जाकर, ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है मुझे, टोपा है, टोपे और टोपा पहन रखा है मैंने, और जैकेट है, और ये अंदर ये देखो एक और स्वेट शर्ट है, और ये देखो भाई एक कंबल, दो कंबल, तब भी हाथ ना अच्छे से चल नहीं पा रहे इतने ज़्यादा सुनोर के, बहुत गंदी ठंड है गाइस सच में, और ये लोग तो और ऊपर जाने के रहते मुक्तेश्वर की साइड, वहाँ और ज़्यादा दिक्कत आती। बाकी डिनर का क्या सीन है? अभी आने वाला है। अच्छा ऑर्डर कर दिया? 8:30 बजे आ जाए। अरे वाह, चलो आज गाइस ये शूट वूट का वो चक्कर नहीं होगा क्योंकि ठंड बहुत हो रही है भाई, यहाँ से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा मेरा तो। अब खाना आएगा सीधे खाएंगे सोए, क्योंकि रात के भाई बहुत ज़्यादा थके हुए, रात को देखो नींद कंप्लीट हो नहीं पाई थी, 3:30 बजे सोए थे, सुबह वही 8:30 बजे उठ गया, तो मेरे लिए तो भाई वो इनफ है नहीं, तो मेरे को भाई आराम से 10-11 घंटे की नींद चाहिए होती है। तो इस वजह से बाकी देखो भाई यहाँ पे आ गई अपने पास मूंगफली, अभी मूंगफली खाएंगे थोड़ी बहुत, ये देखो भाई मूंगफली अपने रास्ते में से ली थोड़ी बहुत, तो इन्होंने खा ली थोड़ी बहुत बची है वो मैं खाऊंगा। सर्दियों में गाइस इसका एक अलग ही मज़ा होता सच में। I'm